अस्सलाम वालेकुम, हेलो टू माय व्यूअर्स। आज हम लोग बनाएंगे छोले। इसके लिए मैंने 2 चम्मच ऑयल लिया है। अब यहाँ पे मैं घी डाल रही हूँ। आप घी और ऑयल दोनों डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पे मैं इसमें जीरा डाली हूँ 1/2 टीस्पून, और प्याज को मैंने क्रश किया है, अच्छे से पीस लिया है। इसको एक दरदरा सा पेस्ट बनाकर ये भी मैंने ऑयल में डालकर इसको मैं तेल में कुक कर रही हूँ। हमें इसका कलर पिंक होने तक इसको अच्छे से कुक करना है स्लो फ्लेम पे। तो यहाँ मैं हरी मिर्च कुटी हुई डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून जितनी। हरी मिर्ची का पेस्ट डाल सकते हो या फिर बारीक चॉप करके भी ग्रीन चिली डाल सकते हो। तो अब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट 1 स्पून जितना डाल रही हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ी सी 1/2 इंच जितनी अदरक मैंने कूट के डाली है, क्रश करके डाल दो। इसका भी टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। फिर ये मैंने 2 टमाटर की प्यूरी की है, इसको भी इसमें डालकर मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। हम इसको अच्छे से कुक करेंगे। ये टमाटो हमारा ऑयल छोड़ रहा है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून जितनी हल्दी। फिर मैं यहाँ पे ब्लैक पेपर डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून जितना, काली मिर्च। यहाँ पे मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ 1 टीस्पून फुल, और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे मसाले मिक्स हो चुके हैं। थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाल रही हूँ मैं इसमें, इसका फ्लेवर भी इसमें अच्छा आता है। काला नमक अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सॉल्ट भी डाला है 1/2 टीस्पून जितना, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल दीजिए। अब मैं यहाँ पे डालूंगी रेड चिली पाउडर 2 स्पून जितनी। इसको भी हम अच्छे से पका लेंगे। अब थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको कुक होने देते हैं। अच्छे से मसालों को हम पकने देंगे। यहाँ पे हमारी ये ग्रेवी रेडी है, तो मैं इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल देती हूँ और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देती हूँ। तो ये हमारी ग्रेवी का मसाला बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें हमारे भिगोकर बॉईल किए हुए छोले डाल देंगे, सफेद वाले। मैंने इनको 4-5 घंटा भिगोकर अच्छे से बॉईल कर लिया है कुकर में। अब इनको मिक्स कर लेंगे और हम ग्रेवी को थोड़ा सा थिक होने के लिए इसको थोड़ा मैश करेंगे। सभी छोलों को नहीं, बस थोड़े थोड़े छोलों को हम ऐसे दबाकर, तो ये ग्रेवी हमारी अच्छे से थिक बन जाएगी। तो ये हो गया है। अब हम इसको, हमारी ग्रेवी रेडी है, ऊपर से हम कोरिएंडर लीव्स यानी कोथमीर डाल देंगे। आपको ग्रेवी अगर थोड़ी सी पतली चाहिए तो आप पानी भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे ज्यादा पानी नहीं डाला है। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो हमारी छोले मसाला बिल्कुल खाने के लिए रेडी है।